उसने तुम्हें बता भी दिया? बड़ी तेज सर्विस है भाई। सारा, तुमने सदरा को क्या कहा है? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो उल्टा मुझे बताई थी कि साथ मुझे पसंद करता है, तो मेरी सांसें छूट गई और कुछ भी नहीं कहा भाई। साद वाह, तुम तो बड़े उस्ताद निकले। मेरे पीछे यहाँ क्यों आई हो? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम तो बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने पहले मुझे खुद मैसेज किया जॉब के बारे में, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ जिसमें तुमने फुल कोशिश की कि तुम मुझसे टेढ़े सवाल करो ताकि मैं जवाब में दे पाऊँ और वो मुझे रिजेक्ट कर दें। लेकिन खैर, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चुके। और फिर मेरा इंटरव्यू जबरदस्त हो गया, उसके बाद तुमने मुझे ऑफिस में रोके बातें सुनाई, और अब जब मेरी सिलेक्शन हो गई है तो तुम ये बात क्यों मशहूर कर रहे हो कि तुमने मेरी जॉब लगवाई है? हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये सारी स्कीमें आती कहां से? तुम्हें सुनाई दे रहा तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर सुनो, मैंने किसी को नहीं बोला कि तुम्हारी जॉब मैंने लगवाई है। झूठ कम बोलो। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, डरता बरता नहीं हूँ मैं तुमसे। अच्छा, तो फिर वीना आंटी बार बार ये क्यों कह रही हैं कि साद ने सारा की सिफारिश की है? वो तुम उन्हीं से जाकर पूछो। और एक बात और, ऑफिस में जो तुमने सिद्रा के सामने हरकत किया ना, बहुत गलत हरकत थी। मैं पछता रहा हूँ मैंने तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जा रही हूँ। और रुको, घर की बात ऑफिस में और ऑफिस की बात घर में हरगिज नहीं होगी, याद रखना। की बात ऑफिस में,